सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के विषय में बताऊंगा जो कि एक दर्द के निवारण के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा है। दोस्तों, इसमें विषाणु रोधी गुण होते हैं। तो दोस्तों, आज का पौधा पिपरमिंट, हमारे गांव में इसकी खेती की जाती है बहुत बड़े पैमाने पर और इसका तेल निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, आपको परिचय कराते हैं पिपरमिंट। इसके बहुत ही उत्तम लाभ हैं, सिर दर्द से लेके पेट दर्द में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं विलायती पुदीना नाम से भी जानते हैं पिपरमिंट के पौधे को। इसको हम अपने गमले में भी लगा सकते हैं, उसके ताजे पौधे का उपयोग भी कर सकते हैं। इसकी आज मैं बैठा हूँ अपने खेत में, तो यहाँ पे जो है पिपरमिंट के, देखिए इस तरीके से पौधा होता है, पुदीने की तरीके से इसकी पत्तियाँ होती हैं, देखिए सेम पुदीने की तरीके से। और इसकी इन पत्तियों से बहुत ठंडा ठंडा, जैसे इसको मसल के अगर हमने सर पर लगा लेंगे तो ये सर दर्द में भी लाभ करेगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तब भी इसको पीस के, पंचांग को पीस के इसका जो है लेप करने से दर्द निवारक पौधा होता है। विदेशों में दोस्तों जो है इसका प्रयोग जो है, इसकी पत्तियों का प्रयोग जो है, जैसे हम लोग बहुत लोग मीट ईट खाते हैं तो उसमें जो है विषाणु होते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग छौंका लगा देते हैं तो उससे विषाणुओं की जो है मात्रा नहीं रहती उसमें। मीट ईट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, पेट दर्द मरोड़ और जैसे आपको अतिसार की बीमारी है तो उसमें भी इसका पंचांग का उपयोग 10 ml की मात्रा में अगर करेंगे तो उसका जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। इसका तेल भी निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी खेती बड़े पैमाने पर दोस्तों हमारे यहाँ की जाती है। फिर इसको बड़े बड़े जो है वो लगे होते हैं, प्लांट लगे होते हैं, उसमें इसका तेल निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसको हमें अपने गमले में भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो खेती होती है लेकिन ताज़ा पंचांग हमें अपने गमले में लगा के जो है इसका पुदीने के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको आज पिपरमिंट के पौधे से अवगत कराया। इस पौधे को हम अपने गमले में लगा के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।